तो देखो, लास्ट टाइम मैंने प्रखर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर आई टॉक्ड अबाउट कि व्हाई द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज कन्वेड बाय प्रखर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। और कल प्रखर ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली वेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी एज अ होल। एंड आई वॉच दैट वीडियो और मुझे उस वीडियो में भी स्पिरिचुअलिटी के आइडिया से रिलेटेड सीरियस इश्यूज को देखने को मिले। इस वीडियो में उन्हीं आइडियाज के बारे में बात करने वाला हूं एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स वेयर आई डिसएग्री। तो तुम पहले क्लिप देखो, देन आई विल कम बैक। कल वरुण the CEO Avalon was trying to run this experiment on Avalon Meta Live, where he's like, ki spirituality kya hai, give your definitions. And people give bullshit definition. Looking into yourself, that is introspection. Finding peace in yourself. Well, that is just peace. Like that is not spirituality. Who said that has anything to do with, right? People have all these concoctments, self-defined. So do not give me that bullshit where everybody's allowed to have their perspectives, because most perspectives are wrong. In this clip talked about कि Avalon Meta के CEO ने एक experiment conduct किया जहां पर he asked people कि वो अपने spirituality के definitions थे, और प्रखर के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशंस लोगों ने दिए वो बेकार थे, और काफी लोग इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअलिटी को कंपेयर कर रहे थे, काफी लोग पीस कह रहे थे जो अकॉर्डिंग टू हिम स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि द पर्सपेक्टिव कि लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस होना अलाउड है स्पिरिचुअलिटी पर इज अ बुलशिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। इफ यू आर सेइंग कि लोगों के जो पर्सपेक्टिव थे वो रॉन्ग थे, या फिर लोगों के जो डेफिनेशन थे वो रॉन्ग थे, तो वेरी हम्बली एंड आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली आस्किंग यू प्रखर, वॉट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू? एंड वॉट एवर डेफिनेशन यू आर गिविंग मी, आर यू श्योर ऑफ द फैक्ट कि जो डेफिनेशन तुम दोगे वो डेफिनेशन और कोई बंदा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा? Has there been any single definition of spirituality जिसको आज तक किसी ने contradict नहीं किया है? Even if you talk about भगवत गीता, there are hundreds of people who do not follow भगवत गीता. They say कि भगवत गीता के principles are not worthy to follow. They say कि जो भगवत गीता के principles हैं वो right नहीं है. There are hundreds of people who say कि ये spiritual master अच्छा नहीं है, वो अच्छा है. So are you sure of the fact that the perspectives you're talking about, you are saying कि ये चीज spirituality नहीं है, introspection spirituality नहीं है, peace spirituality नहीं है? Are you sure of the fact कि whatever you are saying is coming from your experience? When you are saying कि don't give me that opinion कि लोगों के different perspective होना allowed है and you are calling that a bullshit, इसका मतलब ये कि there are different ways of spirituality but you want to restrict spirituality into one single definition which is horribly wrong. See, there are tons and thousands of ways of spirituality. It is all about experience. I'll talk about it in the way कि ऐसा समझो कि तुम एक बच्चे हो और तुम्हें याद रखना है 5, ठीक है? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम 5 को कैसे याद रखते हो। इधर 1+4, 2+3, 3+2, इधर इन पॉइंट, या फिर तुम उसको इंटीग्रेशन करके वॉट एवर तुम कैलकुलस लगा के तुम उसे एक लंबी इक्वेशन बना के उसे 5 लेके आओ। इट ऑल डिपेंड्स अपन यू कि तुम उस 5 को याद कैसे रखते हो। इट इज ऑल अबाउट दैट 5, दैट नंबर 5। अब मैं 1+4 बोलू और तुम 2+3 बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉन्ग हो और तुम राइट हो। इसका मतलब ये कि जो तुम्हारी डेफिनेशन और जो मेरी डेफिनेशन है उसके जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सेम है, पर हमारे वेज अलग है। इन द सेम सेंस, यस, पीपल आर अलाउड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड वी कैन नॉट कंटेन स्पिरिचुअलिटी इन टू एयर टाइट रूम। Why? Because if you are containing spirituality into air tight room, that means कि you are demeaning spirituality. Spirituality का मतलब ये होता है to improve your life in whatever way you experience it. The thing should be improvement. And if you are saying कि there should be airtight definition of spirituality, you are restricting spirituality into a certain definition. When you say कि जो spirituality के ऊपर different perspectives है, these perspectives are wrong, इसका मतलब ये कि तुम spirituality को किसी certain perspective में, किसी सर्टेन डेफिनेशन में कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो जो डेफिनेशन तुम्हारे एक्सपीरियंस में है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज तुम्हारे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। देयर कैन बी, आई अगेन रिपीट, 100 डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे कल्चर में काफी लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं एंड दोज डेफिनेशन हैव वर्क फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इफ वन डेफिनेशन डज नॉट वर्क फॉर मी, आई वुड नॉट से कि दैट डेफिनेशन इज नॉट
अ डेफिनेशन. तो दिस इज टोटली रॉन्ग फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी कि हमें स्पिरिचुअलिटी को किसी एक डेफिनेशन में कंटेन करने की नीड है. नहीं, हमें स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमाइज करने की नीड है कि ओके, इफ यू आर फॉलोइंग दैट रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इफ दैट वर्क्स विथ यू, दैट मीन दैट इज इन योर एक्सपीरियंस, एंड इफ दैट डज नॉट वर्क फॉर यू, दिस वर्क्स फॉर मी, दिस इज इन माय एक्सपीरियंस. दिस इज नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्लिप. बट वो ढंग से डिफाइन नहीं हुआ तो उसमें कचरा भर गया, और उस कचरे के साथ क्या हो गया, दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स. तो प्रखर सेज की जो स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशंस में जो लूप होल है, मतलब इतने जो डिफरेंट अजीब टाइप के डेफिनेशंस हैं, इनके चक्कर में स्पिरिचुअलिटी के बीच में बहुत सारे होल्स आ गए, विच आई अग्री, और इसमें बहुत सारा गार्बेज भर गया है, टू विच आई अग्री. पर प्रखर ने इसके बाद बोला कि इसका मतलब ये है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना पड़ेगा. वी नीड टू हैव दैट एयर टाइट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू विच आई डू नॉट अग्री. देखो, मैं ये मानता हूं कि लोग जब स्पिरिचुअलिटी में घुसना चाहते हैं, फिर वो जब मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दे गो ऑन गूगल एंड टाइप व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड टाइप की मेडिटेशन क्या होती है, एंड दे वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पिरिचुअलिटी, दे वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन. और जब वो गूगल पर जाते हैं तो उन्हें हजारों वीडियोस, 1,00,000 आर्टिकल, पता नहीं कितने बुक्स मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, कितने ओपिनियंस मिलते हैं, एंड दे जस्ट गो इनटू दैट लूप, दैट डाइव इनटू दैट लूप, जहां पर उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रुथ क्या है, और फिर उस चीज में वो इतना गुम हो जाते हैं कि वो मेडिटेशन करते ही नहीं है, और फिर वो अपनी रियल चीज, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस जो उनको एक्चुअली में समझाएगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. सो टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, टू नो अबाउट व्हाट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन योर एक्सपीरियंस, यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फर्स्ट, यू नीड टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट. और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, द वे यू वुड एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी, द वे यू वुड एक्सपीरियंस मेडिटेशन वुड बिकम योर डेफिनेशन. सो माय डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड योर डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी कैन बी, एंड दैट इज 100% राइट, दोज डेफिनेशंस कैन बी कंप्लीटली एंड कंप्लीटली डिफरेंट. देयर कैन नॉट बी इवन अ पिंच ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दोज डेफिनेशंस. व्हाट मैटर्स इज दैट डस दैट वर्क फॉर यू, इफ यस दैट इज स्पिरिचुअलिटी. तो ये जो आइडिया है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना पड़ेगा, हम उसे डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज रॉन्ग. यस, स्पिरिचुअलिटी में लूप होल्स हैं, उसके डेफिनेशन में जो लोग फंसते हैं वो लूप होल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे और डिफाइन कर दें. इसका मतलब ये है कि हम इसे और ओपन और फ्लेक्सीबल बना दें, एंड वी गिव पीपल द स्पेस टू एक्सपीरियंस थिंग्स फॉर देमसेल्फ दैट वे. Where your spirituality is not grounded in the fact where you can say we are one. If we are one, then how are you superior? And if we are one, to I need to borrow your car and your house for 13 days. Dede, we are one. Haan bhai, we are one. Matlab mere papa aur main, mere papa to mere ko. टॉकिंग अबाउट वननेस. नाउ ही सेज कि अगर मैं और तुम वन है, तो क्या मैं तुमसे अगर तुम्हारी कार मांगूंगा या फिर मैं तुमसे तुम्हारा घर मांगूंगा तो क्या तुम दोगे? नाउ व्हाट इज वननेस, अंडरस्टैंड दिस. देखो, यहां पर हम वननेस की बात कर रहे हैं टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड यहां पर हम वननेस की जो बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट. नाउ व्हाट इज दीज एस्पेक्ट. तो देखो, एज अ ह्यूमन बींग हम रहते हैं एक सोसाइटी में, और हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी आर सोसाइटल बीइंग्स. ठीक है, अब हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर वन, डिट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी आर वन स्पिरिचुअली, वी आर वन एग्जिस्टेंशियली, वी आर वन. बिकॉज तुम एग्जिस्टेंस में देखो तो मेरी और तुम्हारी एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है. इट इज आर मनी, इट इज आर इकोनॉमिक कंडीशन, इट इज आर मेंटल कंडीशन, ये कंडीशन जो है हमें तुमसे और तुमसे अलग बनाती है. तो द फीलिंग ऑफ वननेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस विथ स्पिरिचुअलिटी से इट इज नॉट अबाउट कि अगर हम वन है तो मैं तुम्हारी गाड़ी उठा के ले जाऊं. इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअली हमें और तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारे में इंफीरियरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी लाइफ के टर्म्स में नहीं है. हमारे में जो स्पिरिचुअलिटी के अलावा जो हमने इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी हमने डिफाइन करी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सोसाइटी. जहां पर अगर तुम्हारे पास एक BMW है और मेरे पास एक सेंट्रो है, तो यू आर कंसिडर्ड अ सुपीरियर एंड आई
कंसिडर माई सेल्फ एज एन इन्फीरियर बट दैट इज नॉट ऑन अ स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड. तो वननेस की डेफिनेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस, वननेस की डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू लाइफ एंड एग्जिस्टेंशियली हम सब सेम है. तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, हमारे अंदर सेम एनर्जी फ्लो करती है. नाउ ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, ओके सो यू वॉच द क्लिप एंड आई विल कम बैक. देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर अस टू एक्सपीरियंस दैट वननेस बट इट इज नॉट ट्रू एज अ डिफॉल्ट स्टेट. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन दैट इज टू बी मेड on the thought we are one but in instances. So he also talked about ki this is not, the oneness is not a default state. Believe me, oneness can be a default state. It is just in not your experience. I have experienced that for the 2 days of my life. Uske upar main ek separate video banaunga. Those 2 days gave me the perception which I could have never imagined. और वो क्या perception, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. बट अभी के लिए बस इतना मैं बोल रहा हूं, that default state is there 100% in full faith. I'm saying that कि the default state of oneness can be there. It is there. It is just about you and me to realize. Just because I have had a glance at it, मुझे वो चीज दिखी है. मेरे लाइफ के 2 दिन वैसे बीते जहां पर आई हैव हैड दैट अमेजिंग अनफैदमेबल स्टेट ऑफ वननेस जो डिफॉल्ट बन चुकी थी. इट फेडेड अवे ड्यू टू सम रीजंस व्हिच आई विल टॉक अबाउट इन माय दैट वीडियो व्हिच आई विल मेक. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो चीज तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं है तो दैट इज नॉट डिफॉल्ट, दैट इज ए प्रेटी मच डिफॉल्ट. Sharper definitions need to be upgraded to become sharper. Opinions need to be upgraded to become sharper so that shit does not slip in. Because that is the real danger with doing it like a lazy person. So Prakhar talked about ki why not having a definition of spirituality can be dangerous. I say having a definition of spirituality is dangerous. Why? Because again same बात है. तुम डेफिनेशन में कंटेन हो जाओगे और तुम्हें अगर मान लो तुम्हें किसी बंदे ने बोल दिया कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है टू रिमेन हैप्पी 24/7 जस्ट फॉर एन एग्जांपल. और मान लो तुम बहुत मेडिटेशन करते हो, तुम बहुत स्पिरिचुअल हो और तुम 24/7 हैप्पी नहीं हो तो तुम बोलोगे कि नो स्पिरिचुअलिटी तो अच्छी चीज ही नहीं है, इट डज नॉट वर्क फॉर मी. डज नॉट मैटर कि स्पिरिचुअलिटी तुम्हें हैप्पी छोड़ के और कितनी लाख चीजें दे दो, यू वुड नॉट अप्रिशिएट दोज थिंग्स बिकॉज फॉर यू द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज बीन सेट इन द फॉर्म कि जब मैं 24/7 हैप्पी रहूंगा तो ही मैं स्पिरिचुअलिटी में हूंगा. नो, हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज डेंजरस. वाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज कस्टमाइज, इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंसेस को कभी कंटेन करके नहीं रख सकते हो. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. I don't know, spirituality has become a buzzword on the Indian scene and well, I think all thanks to Ranveer, frankly. No, I mean that. For sure. I mean that as a genuine criticism of the guy. Yeah. Usne usko pura buzzword bana diya and suddenly it's in fashion and everybody wants to be spiritual and I'm like, fuck, boring. It's dumb, you're making people not think. You're telling people actively dogma, 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 dogma. Aur wo... So Prakhar in this clip talks about ki Ranveer ne spirituality ko ek buzzword bana diya hai. To which I agree, but he talked about that in a negative sense, to which I do not agree. Why? Because I appreciate the fact ki Ranveer ne spirituality ko itna spread kiya hai and he focuses more on practical attention. He focuses more on practicality ki people should meditate to know what spirituality exactly is. And when you say about ki spirituality ko ek dogma ke taur par bana diya gaya, I do not see Ranveer talking about spirituality as a dogma. He never talks about spirituality in that sense. Ulta, I appreciate Ranveer ki usne millions of logo ko inspire kiya ki now everyone wants to be spiritual and that is perfectly fine. If there are lakhs and lakhs of people who would start meditating every day, does not matter they know a definition of spirituality or not, just the fact ki they meditate every day can transform this world for a better good. And that thing can transform that world and that thing can change the world and I really really appreciate spirituality and Ranveer for that. और इसका मतलब ये नहीं कि I am a fan of Ranveer. मैंने Ranveer के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म की वीडियो बनाई हूँ स्टोरी टेलिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Ranveer पूरी तरह से रॉन्ग है. देर कैन बी सर्टन एस्पेक्ट वेर इज रॉन्ग बट ऑन स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर वॉट एवर वर्क इज डूइंग. तो भाई देखो, बात इतनी सी है,
any person who gives you a specific definition spirituality and says ki ye spirituality hai and there is no other definition, or any person who wants you to have a fixed and a rigid definition of spirituality is not a right person to follow on spirituality. Always and always remember, spirituality is about your own experience and you. See, मेरे पास कभी स्पिरिचुअलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं थी, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है यू टेलर योर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यू एंड देन यू फॉर्म योर ओन डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच कैन बी टोटली यूनिक. हो सकता है कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो जो गीता में लिखा है, जो किसी और होली बुक में लिखा है, वो उसके उसके अकॉर्डिंग में ना हो, बट दैट इज परफेक्टली फाइन बिकॉज वॉट एवर स्पिरिचुअलिटी इज यू. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मुझे स्पिरिचुअलिटी की कोई डेफिनेशन पे पता नहीं थी, बट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. मैंने पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट किया. हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी बदनाम है क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी पे जाते नहीं, और यहां पर जब मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं या फिर लोग प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं तो पीपल नाउ वॉन्ट थ्योरी. स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है जहां पर तुम्हें पहले प्रैक्टिकल पे आना है एंड देन यू फॉर्म योर ओन थ्योरी अकॉर्डिंग टू इट. बहुत बार ऐसा होता है जब तुम किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हो, सपोज तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो एंड यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बट देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन यू अंडरस्टैंड थ्रू द प्रैक्टिकल सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स की वॉट एक्चुअली इज इंटीग्रेशन. बात समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट नोइंग द डेफिनेशन, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट नोइंग द एक्सपीरियंस. तो जस्ट बिकॉज प्रखर ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम आंख बंद करके एमके मान लोगे. अगेन, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड यू विल नो वॉट एग्जैक्टली इज स्पिरिचुअलिटी. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर दिस वीडियो एंड मेरी बाकी की वीडियोज को देख लो. आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोज. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड बाय.